वर्धा के महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। कोरोना के नए मामलों ने फिर 35,000 का आंकड़ा पार किया है, जबकि 166 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में शनिवार को जितने कोरोना संक्रमित मामले 24 घंटे में सामने आए, उसमें से करीब 60% केस सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 35,726 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि 166 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है। राज्य में अब तक 15 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्ती बढ़ती जा रही है और अब मास्क नहीं पहनने पर ₹500 का जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में हर रविवार टोटल लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि शनिवार को मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,142 नए मामले सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अभी कोरोना के 12,995 एक्टिव केस हैं, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 8% तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के ग्राफ ने एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन की वापसी करवा दी है। शनिवार को भोपाल जिला प्रशासन ने शहर के 20 इलाकों और घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और शनिवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक जिन 20 घरों और इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, वहां पर रहने वालों लोगों को होम क्वारंटाइन रहना होगा। मुंबई से हमारे संवाददाता गजानन दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गजानन, महाराष्ट्र में अगर कोरोना की बात की जाए तो स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है और जो आंकड़े दिन प्रतिदिन उछाल मारे बढ़ते जा रहे, 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए, क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं कोरोना पर लगाम लगाने के लिए? साथ ही साथ लोगों के लिए क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, बिल्कुल, कल सीएमओ यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दफ्तर से एक जीआर निकला था, एक गाइडलाइंस की एक पूरी रेगुलेटरी निकली थी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि महाराष्ट्र में आज यानी कल रात 12 बजे से ही संचार बंदी और साथ ही जमाव बंदी के ऊपर जोर दिया जाएगा। इसके साथ में उस जीआर में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी महाराष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में 5 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी कि जमाव बंदी पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक का ये वक्त निर्धारित किया गया है, जिस बीच लोग जरूरी काम न होने के बावजूद अगर बाहर पकड़े जाते हैं बिना मास्क के, या अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर थूकते हुए नजर आता है, किसी भी तरह की गंदगी फैलाते हुए नजर आता है जिससे कि कोरोना का प्रसार और ज्यादा बढ़ सके, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जो इसमें चालान की पूरी प्रतिक्रियाएं हैं, चालान की कार्यप्रणाली बनाई गई है, बिना मास्क के इनको ₹1,000 का पेनाल्टी देना है सरकार को, और साथ ही अगर ये थूकते हुए पकड़े जाते हैं तो 500 से 5,000 तक के बीच की फाइन इनको लग सकती है। अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार एक और दुविधा में इसलिए भी पड़ गई है धीरेन्द्र, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी भले ही मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हो, लेकिन अब कोरोना की राजधानी महाराष्ट्र राज्य पूरे विश्व में सिद्ध होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ते जा रही है। जी गजानन, अगर होली की बात की जाए, होली का त्योहार भी कल है और होली में अक्सर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, लोग एक दूसरे जगह पर जाते भी हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ नए नियम, नई शर्तें लागू की गई हैं? आधिकारिक तौर पे किसी तरह का बयान या कोई जीआर महाराष्ट्र सरकार ने होली के त्योहार के लिए नहीं निकाला है, लेकिन एक बात स्पष्ट की है, सभी राजनेताओं ने भी इस बात की दरख्वास्त की है कि लोग कम से कम एक जगह पर इकट्ठा हों, अपने बीच दूरी बनाए रखें, यानी कोरोना की जो बेसिक गाइडलाइंस है सरकार अब की उसी के ऊपर जोर दे रही है। अब कहीं ना कहीं होली का साल भर का त्योहार है, उसको लेकर राज्य सरकार भी बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग एक भारी संख्या में होली का ये त्योहार हर साल हर्षोल्लास से महाराष्ट्र और मुंबई पूरे देश में मनाते रहे, तो कोरोना का प्रसार इस त्योहार में होना लाजमी है, हो भी सकता है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसे नियंत्रित किया जाए। जी जी गजानन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।